पुनहाना शहर में गुरुद्वारे के पास डल रही सीवर लाइन के कार्य में लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि ठेकेदार ना तो नियम के अनुसार कार्य कर रहा है और ना ही अच्छी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। घटिया निर्माण कार्य की सूचना संबंधित विभाग के XEN, SDO तथा JE को दी गई, परंतु कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। संजय सिंगला ने बताया कि उनकी गली में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा घटिया स्तर की निर्माण सामग्री तथा कार्य नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार सीवर लाइन के पाइपों के नीचे लेंटर डालना अनिवार्य है, परंतु ठेकेदार द्वारा पाइपों के नीचे नाम मात्र की रोड़ी डालकर पाइप दबा दिए गए। इसके अलावा ठेकेदार द्वारा मेन होल बनाने में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना पर भाजपा निगरानी कमेटी के उपाध्यक्ष राकेश कंसल मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लेकर तुरंत अधिकारियों से निर्माण कार्य सुचारू रूप से कराने की बात कही। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के JE गुरमीत जी फोन से बात करने पर बताया कि उन्हें शिकायत मिली है। ठेकेदार से उन्होंने संपर्क किया, वो उनके फोन को तक नहीं उठाता। बहुत दिन से वो भी इस काम के उनके पास बहुत बार कॉल आई है, पर उनकी कोई ठेकेदार नहीं मानता, इसलिए वो अपने पद को छोड़कर अपना ट्रांसफर कर रहे हैं, अपना चार्ज किसी और को दे रहे हैं। काम चल रहा कछोरी गति पे काम। आप यहाँ BJP के निगरानी अध्यक्ष हो, आपके होते हुए ये काम इतनी धीरे से क्यों चल रहा है? आपके सामने ही, आपकी गली में, आपके दुकान के सामने ही ये काम जो हो रहा था ना जी, मैं इसकी मेरे को सूचना मिली हुई काम खराब हो रहा है। मैं तुरंत मौके पर गया और वास्तव में ही काम खराब था, ना कोई सीमेंट यूज हो रही थी और घटिया काम हो रहा था केवल। फिर मैंने ऊपर संपर्क किया, मैंने फोन किया एक्शन साहब को, उसके बाद किया SDO साहब को, उसके बाद किया JE साहब को, किसी ने या तो फोन नहीं उठाया, अगर उठाया तो कह रहे थे अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। दो दिन तक वो लोग नहीं आए। हार कर मैंने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, मीडिया ने इसको बड़े जोर शोर से उठा दिया। उसके बाद मेरे से अधिकारी मिलने आए और मिलने के बाद उन्होंने कुछ इस पर काम संतोषजनक किया। अभी हमारी JE साहब से फोन पर बात हुई थी, JE साहब का कहना कि ठेकेदार कोई सुन के राजी नहीं है। मैं तो इसलिए अपने पद से इस्तीफा देने तैयार हूँ। JE साहब अपनी तरह से सही कह रहे हैं, जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं ना जी, ये सब मिली भगत हो रही है। यहाँ लेके नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी चल रही है, इसलिए ठेकेदार किसी को नहीं गाड़ता। इसमें JE साहब की बात बिल्कुल सही है। यहाँ कितने दिन हो गए काम करते हुए? यहाँ मेरे ख्याल में 15 दिन हो गए हैं, काम बिल्कुल कछुआ गति से चल रहा है, इसमें कुछ और आया नहीं। हमने देखा था कुछ लेडीज स्कूल बच्चों के लिए जा रही थी, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना था। हाँ, पूरा बाजार अवरुद्ध है जी, रास्ता अवरुद्ध है। अगर काम जल्दी हो जाए तो बाजार वाले भी नाराज हुए पड़े हैं, क्योंकि बाजार की इनकी सारी दुकानदारी खराब हो रही है। मैं चाहता हूँ जल्द जल्दी काम हो जाए और ये बाजार वाले भी सुख शांति से रहें। मैं संजय सिंगला, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर, भाजपा से। ये देखा है आप, ये सीवर लाइन डल रही है, इसका काम बिल्कुल कछुआ गति चल रहा है? कछुआ गति से नहीं चल रहा जी, आज इनको काम करते करते हो गए जी 20 दिन। 20 दिन में पूरा मतलब मोहल्ले की गली इतनी खराब हुई पड़ी, अगर कोई गली में से निकलना चाहे नहीं निकल सकता, ना उनकी बाइक घुस सकती। और इतनी गली में भी पानी रुका हुआ है जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा होने से अब बीमारी फैलने का डर है। इनसे कई बार कह दिया इस काम को जल्दी से जल्दी करें, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ आम आदमी इतना परेशान है, आने जाने वाले रास्ते में मेन दुकानदार, मेन जो घर के मतलब सारे दुकानदार परेशान है। काम वैसे ही नहीं, एक तो मार्केट के अंदर और फिर एक ही ग्राहक इसी वजह से नहीं आता कि यहाँ रोड खोदे हुए हैं। उसके बाद यहाँ बीमारी फैल रही है क्योंकि पानी का निकास नहीं हो रहा। जो इन्होंने सीवर के मेन होल खोदे हुए हैं उसका जो मट्टी जो भी है वो सारी नाली में चलेगी, नाली में जाने से सारे जो एकदम पानी ब्लॉक हो गया, सब व्यवस्था बिगड़ चुकी, सारी बिगड़ चुकी है। और फिर जो इनसे कहा था कि जो पहले रोड बना हुआ है, यहाँ के मकान 90% जो नीचे हैं, आप इनको उसी तरह से बनाया जाए, जो हमारे जो पहले रोड बना हुआ उसी तरह से बनाए, जबकि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 9-9 इंच ऊपर उठा दिया। अब इनसे बार बार कहा तब जाके आए, मतलब यहाँ पे जो JE साहब आए थे हमारे वाटर सप्लाई के, उन्होंने कहा भी हम इसको करवा देंगे। हमने बोला अगर इसको नहीं करवाते हम इसको ब्लॉक कर देंगे बिल्कुल इसको, मगर हमारे पास 90% हम कहाँ से लाएंगे पैसे? एक मकान में 25 लाख रुपए की कीमत आती है, वो कहाँ से लाएगा आम आदमी? 90% मकान यहाँ पे वेंचर सारे नीचे हैं। इनको बार बार समझाया जा रहा है, मगर यहाँ तो ऐसे है जी, कोई लेबर को लाके मिस्त्री तो है नहीं, कोई कारीगर नहीं है, केवल लेबर से ही काम करा रहे हैं। वो तो हमने भी देखा है, ये लेबर काम कर रहे हैं, काम कर रहा है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। चूतिया पंथी बना रखी है वेंचर बिल्कुल।
ना पाइप है ना नाली को, कोई कोई सुनवाई नहीं करेंगे। आपने कब तक की वो मोहलत दी है काम? दो दिन मोहलत तो ये करे, दो दिन में कर देंगे। आज इनको दस दिन हो गए, डेली मोहलत है। कितना कुछ दिन हो गया इस काम को चलते हुए? काम हो गए 15 दिन हो गए इसको काम को। 20 तारीख से टूटी हुई है ये सड़क। 15 दिन हो गए इस काम को चलते चलते। हर आदमी परेशान है, हर दुकानदार परेशान है यहाँ पे। और फिर यहाँ बीमारी फैल गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा इसका बीमारी का? यहाँ मच्छर वैसे काफी मच्छर पहले हुए पड़े, सारा पानी जो घरों के अंदर जा रहा है उसका कौन जिम्मेवार होगा? आम आदमी किससे कहे? हमसे कहे? हमने कई अफसरों से कही, अफसर कहते हाँ करा रहे हैं, ठेकेदार कोई जिम्मेवार नहीं, ठेकेदार कोई जिम्मेवार। मैं यहाँ के जो सीवर लाइन पहले बने 4 साल पहले, सीवर लाइन जो पहले डले थे वो इनके इनसे सफाई नहीं हो रही, इनको क्या सफाई करेंगे?